Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो गाइज, आज मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूँ. आप सबको पता है न्यू ईयर आने वाला है और इसी वजह से 2021 में 2021 में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, क्या उसमें चेंजेस होने वाले हैं, क्या होने वाला है, वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर. सो स्टे ट्यून्ड. यहाँ पे मैंने दो पाइल्स भी रखी हुई हैं आप लोगों के लिए. बट उससे पहले गाइज ये बोलना चाहूँगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अगर आप नए आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल ना जाए. कॉमेंट करके बताएं मुझे वीडियो आपको कैसी लगी है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें. आप किसी तक के गाइडेंस को ज़रूर पहुँचाएँ. ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखी हुई हैं. द फर्स्ट पाइल इज डांस. पहली पाइल है डांस और जो दूसरी पाइल है दैट इज सिंग. सिंग पहली पाइल है डांस, जिसे हम कहते हैं जब हम नाचते हैं, और दूसरी पाइल जब हम गाते हैं. तो आप दोनों में से कोई भी पाइल को चुन सकते हैं, जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है. जो भी पाइल आपसे, उसको आप चुन लें. आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, गॉड से प्रे कर सकते हैं कि आपको आपके राइट गाइडेंस मैं दे पाऊँ, और अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने लव लाइफ के बारे में सोचें और प्रे करके इस वीडियो को आप स्टार्ट कर सकते हैं. ये जनरल रीडिंग होती है गाइज. अगर आपको ये पर्सनल रीडिंग लेनी है और अपने बारे में जानना है, अपने लव लाइफ के बारे में जानना है, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती है, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूंगी. ओके गाइज, तो यहाँ पे दो पाइल्स है, डांस और सिंग. पाइल नंबर वन डांस है, पाइल नंबर टू सिंग है. तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से ये रीडिंग. सबसे पहले हम यहाँ पे डांस का देखेंगे. 2021 में क्या होने वाला है आपके लव लाइफ के अंदर? ओके, दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं. ओह वाओ, द फर्स्ट वन इज टू ऑफ कप्स. अमेजिंग गाइज. पेज ऑफ पेंटिकल्स दूसरा कार्ड है. ओके ठीक है, जल्दी से और कार्ड यहाँ पे पुल आउट करते हैं. सेवन ऑफ कप्स. ओके, टेन ऑफ कप्स, क्या बात है. पाइल नंबर वन, बहुत सुंदर सुंदर वाइब्रेशंस यहाँ पे आ रही हैं. सबसे पहला कार्ड ही बहुत खूबसूरत आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ओके, नाइन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक क्या है? फोर ऑफ पेंटिकल्स. ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहला कार्ड जो आया है यहाँ पे. देखिए, मैं सबसे पहले आपको साइंस डिस्कस कर लेते हैं. आपके पर्सन एरीज या सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं. ओके गाइस, या तो आप हो सकते हैं इस साइन से या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं. ओके ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइस, सबसे पहले बहुत पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी. बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होने वाले हैं आगे जाके आप लोग के रिश्ते के अंदर. बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ होने वाले हैं. मे भी आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन अभी आपसे उस तरीके से नहीं रह रहे जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गाइज आप ये चीज़ तो बिल्कुल बिल्कुल आप रेडी हो जाओ इस चीज़ के लिए. मतलब
लुक एट द कार्ड्स, एक भी चीज इसमें आपको नेगेटिव नहीं दिख रही होगी. मतलब इतना पॉजिटिव ईयर. शायद मुझे लगता है आप लोगों का पाइल नंबर वन बहुत सुंदर साल होने वाला है, बहुत खूबसूरत साल होने वाला है. लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है. आप लोगों को वो सारा प्यार मिलने वाला है जिसको आप दिल से इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा हो, मेरी लाइफ में मुझे प्यार मिले, मुझे केयर मिले, मुझे सपोर्ट मिले, जो सब मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले, मेरी विशेस पूरी हों, वो सब कुछ आपको 2021 में मिलने वाला है. कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, जो भी लोग एक सिंगलहुड इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि कोई लाइफ में आए, तो उनकी डेफिनेटली लाइफ में एक न्यू लव आने वाला है जो आपके हिसाब से आपको प्यार करेगा. जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपने हमेशा से उम्मीद करी है, वैसे वो आपको प्यार करने वाला है. वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, ठीक है. यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे. हो सकता है जो भी आपके पार्टनर ऑलरेडी थे, आपके एक्स पार्टनर थे, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिनको आप चाहते थे आपकी लाइफ में आए, वो भी आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं. रिकन्सिलिएशन के बहुत सुपर डुपर चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है. वो आपके पास प्रपोजल लेके आएंगे, आपके साथ वही सब बातें करना चाहेंगे जिसकी आपने हमेशा से उम्मीद करी है, ठीक है. एक एनर्जी बैलेंस होगी आप लोगों की. भगवान मुझे लगता है आपको मिलवाने में कहीं कमी नहीं छोड़ने वाले. आपकी लाइफ में बहुत, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ होने वाली है और काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट, वो एक स्पार्क जो है ना, जो मिसिंग था, वो सब कुछ वापस आने वाला है. और मुझे तो ये भी यहाँ पे एक चैलेंज मैसेज आ रहा है कि ऑनेस्टी, जिसको काफ़ी लोग यहाँ पे लॉयल्टी चाहते थे, ऑनेस्टी चाहते थे, वो सब भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है. और कुछ लोग जो कंफ्यूज थे, जिनको क्लैरिटी नहीं थी, जिनको ऐसा लग रहा था कि कंफ्यूजन है बहुत सारी, समझ नहीं आ रहा इस रास्ते जाऊँ उस रास्ते जाऊँ, सब कुछ उन्होंने किया हुआ था, उन्होंने मे बी आपको चीट किया या उनको उन्होंने आपको एक रास्ता सही नहीं दिखाया, उनको क्लैरिटी नहीं दी, वो भी सब कुछ जो है चीज़ें हटने वाली हैं. जो भी प्रॉब्लम थी, कन्फ्यूजन थी, वो सब दूर होने वाली हैं और आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है. मे बी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे. और एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे इस साल में, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे. आप भी काफ़ी लोगों से अटैच्ड होंगे, आप भी काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लव लाइफ में. ये आपके ऊपर होगा कि आप किसको चुनेंगे. आपका जो फोकस है, जो आपके पार्टनर का जो फोकस है, वो आप पे रहने वाला है. सारा ध्यान वो आप पे रखेंगे. आपको जिस तरीके से वो केयर चाहिए थी, वो सब आपको मिलेगी. अटेंशन आप पे रहेगी. और ये भी हो सकता है कि जो भी आपके पर्सन है, वो आपसे एज में छोटे हैं, या फिर आगे फ्यूचर जो पार्टनर आने वाले हैं 2021 में, वो आपसे एज में छोटे हों, या फिर एज गैप हो, आप छोटे हों या वो छोटे हों, काफ़ी एज गैप हो, ठीक है. एज गैप हो सकता है, और मे बी आपको सोशल मीडिया के थ्रू वो इंसान मिला हो या मिलेंगे, ठीक है. और ये चीज़ भी हो सकती है कि शायद वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग जाएं, ठीक है. वो पर एक चीज़ तो है, वो नर्चरर होने वाले हैं, बहुत आपकी केयर करेंगे, बहुत लविंग होंगे. इतना परफेक्ट लवर आपको मिलेगा जिसकी आपने सोचा भी नहीं था, कि जिसका आप इंतज़ार इतने टाइम से कर रहे थे ना, कि हाँ शायद ऐसा चाहिए, नहीं तो कोई नहीं चाहिए, यही चाहिए, नहीं तो कोई नहीं चाहिए, वैसा इंसान आपको मिलने वाला है, ठीक है. आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी दो चीज़ों को लेकर ना अप एंड डाउन होगा आपकी लाइफ में. मतलब आप सोचेंगे ये या वो, ऐसे या वैसे, आप सोचेंगे. आपकी लाइफ में कंफ्यूजन मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारी होंगी. आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से इंसान को मुझे चूज करना चाहिए, किस रास्ते में मुझे जाना चाहिए, ठीक है. आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस करी हैं, जो भी आपकी विशेज लव लाइफ को लेकर, वो पूरी होने वाली हैं. यू विल बी सो हैप्पी. आप लोगों को इतनी खुशी मिलने वाली है. देखिए यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है. ये इंसान देख रहे हैं कितना हैप्पी, कितना सेटिस्फाइड, कितना लाइवली है. ऐसी ही खुशी आपको मिलने वाली है. विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये, और आपकी विश भी फुलफिल होने वाली है डेफिनेटली. आई एम सीइंग यहाँ पे कि बहुत बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आपकी विशेज डेफिनेटली पूरी होंगी. कंप्लीशन मुझे होता हुआ दिख रहा है आपकी विशेज का. कन्फ्यूजन ज़रूर थोड़ी सी रहेगी, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोगों की यहाँ पे शादी भी हो सकती है 2021 के अंदर, उनके पार्टनर से या फिर किसी न्यू लव से उनकी शादी भी होने वाली है. और रिकन्सिलिएशन के भी, जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जिन लोग जो दुख से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में लव क्वेश्चन जो है ना, वो पूरा होने वाला है. एक सेटिस्फैक्शन होती हुई मुझे दिख रही है कि आप लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, कंटेंटमेंट यहाँ
यहाँ पे लेवल बहुत हाई दिख रहा है मुझे, ठीक है। कंफ्यूजन ज़रूर होगी, आप समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत होंगे कि किस रास्ते जाएंगे, बट यहाँ पे मुझे फैमिली कार्ड भी आया है गाइज। 10 of Cups की एनर्जी है यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे शादी होती हुई दिख रही है मुझे। काफ़ी लोग जो शादी के लिए प्लान कर रहे हैं 2021 में, उनका उनका पार्टनर मिल जाएगा, और डेफिनेटली वैसा पार्टनर मिलेगा जो वो हमेशा से चाहते थे, जैसा वो हमेशा से चाहते थे, जिसके अंदर सब कुछ है, ठीक है, जो जो आपको प्यार, वो केयर, वो सब कुछ दे सकता है। और कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं था, जो पार्टनर आपका ऐसा था जो कि ही वॉज नॉट रेडी टू चेंज हिमसेल्फ फॉर दिस रिलेशनशिप, या कुछ उसकी गलत हरकतें थी जो वो बदलने को नहीं तैयार था, वो भी बदल के इस साल में आपके पास आ सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्रोमाइजेज वो कर सकते हैं आपके लिए, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के यहाँ पे हो सकता है जो रिश्ते वगैरह टूटे हैं, बट उनको होप अभी भी है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और बिल्कुल ठीक होंगी। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी बिल्कुल फील हो रही है, आप भी अपने पार्टनर के लिए पोजेसिव रहेंगे और वो भी आपके लिए काफ़ी पोजेसिव रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे कि ये मेरे से दूर ना चला जाए। शायद इसी डर से रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं, बट अब जो लव लाइफ में चेंज होगा ना, वो बहुत पॉजिटिव होगा। मतलब यकीन नहीं होता कि इतने सुंदर कार्ड्स एक ही बारी में आए हैं। एंड डाउटफुल ना रहें, मैं ये बोलूँगी आपको कि आप डाउटफुल ना रहें, ये ना हो कि ये टाइम भी आपके हाथ से निकल जाए। अगर आप अपने आप को क्लियर रखें, अपने माइंड को क्लियर रखें, मेडिटेट कर सकते हैं ताकि आपको जो है ना कि एक एक सही रास्ता दिखे, आप सही पार्टनर को चूज करें, क्योंकि इस साल में आप थोड़ा सा लव लाइफ को लेके वो रह सकते हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं कि किस रास्ते जाऊं, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे हैं, क्या करूं क्या ना करूं। बट प्यार आपको बहुत मिलने वाला है, आपको बहुत खुशी मिलने वाली है इस साल में लव लाइफ को लेकर, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आप इस तरीके की उसमें फंस जाएं, ट्रायंगल में फंस जाएं कि किस रास्ते जाया जाए, इसको पकड़ा जाए उसको पकड़ा जाए, बार बार वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। बट हाँ, जिसका आपने इंतज़ार किया था काफ़ी समय से, वो इंसान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आप दूर ही सोचेंगे इस साल, ठीक है, कि आगे नेक्स्ट लेवल पे ये रिश्ता जा सकता है या नहीं जा सकता, इसके साथ शादी हो सकती है नहीं हो सकती, ये मेरा जो है प्रोवाइडर है या नहीं है। अगर ये इंसान आपके लिए बेस्ट है तो आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे, जिसकी आप वेट कर रहे थे वो मुझे लग रहा है यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। डबल सेलिब्रेशन होने वाली है, विश फुलफिल भी होगी आप लोगों की, और साथ ही साथ आपकी सेलिब्रेशन होती हुई दिख रही है। शादी के बहुत सारे यहाँ पे चांसेस हैं, जैसा आपने पार्टनर सोचा था वैसा आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा, और अचानक से मिलेगा, अनएक्सपेक्टेडली मिलेगा, जिसकी आपने वेट, मतलब ऐसा होगा कि आपने सोच नहीं रहे होंगे और वैसे ही वो आगे से आ जाएगा। जब आपने उम्मीद छोड़ने लगेंगे वैसे ही वो आ जाएगा, इसलिए कुछ एक्सपेक्ट ना करें, जस्ट गो विद द फ्लो। वाओ गाइज, अब आप देख रहे हैं कैसे ये एनर्जी यहाँ पे भी मैच हो रही है, डांस, ठीक है। आप अपने अपने धुन में आप बस नाचते रहें, आप बस करते रहें जो आपको करना है, ठीक है, आप बस करते रहें और अपने आप चीजें हो जाएंगी, वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। तो गाइज, टेंशन की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी विश बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है। 2021 बहुत सुंदर होने वाला है आप लोगों के लिए। आपके लिए हम फटाफट से जो है गाइडेंस मैसेजेस भी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ को लेकर। Focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. Guys, आपको क्या करना है, focused रहना है, जो आप चाहिए ना उस पर focus रखें, बस अपनी intention को focused रखें, इधर उधर भटके ना, जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बस उस पर ही focus बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें, जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचें और आगे बढ़ते रहें, अपनी स्पिरिट्स को हाई रखें, अपनी 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 सोच को ऊंचा रखें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है गाइज। ये आपके लिए जो है गाइडेंस आई है यूनिवर्स से, फोकस इंटेंशन पे फोकस करना है बस, ओके। अब हम जल्दी से रोमांस एंजल से भी देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं इस साल 2021 में आपकी लव लाइफ को लेकर, क्या बताना चाहते हैं रोमांस एंजल्स। वेरी सून का यहाँ पे कार्ड आया है गाइज, तो क्लियरली डिसाइड
what you want so that it comes to you now. So you have to decide. सबसे पहले आपको decide करना है. यहाँ पे decision मुझे weak लग रहा है, decide नहीं कर पा रहे काफी सारे लोग, तो आपको decide करना है और वो जल्द ही आपके पास आ जाएगी चीज, very soon, very amazing guys. बहुत सुंदर यहाँ पे कार्ड आया है. और क्या है हमारे पास, हनीमून. शादी डेफिनेटली काफी लोगों की यहाँ पे हो रही है. एंजॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर. यहाँ पे आप काफी लोग हनीमून पे जा सकते हैं. बहुत बहुत सुंदर कार्ड आया है यहाँ पे. और मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि कुछ कोई पुराना या तो आपके पास वापस आ सकता है. नए के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. कोई नया ऐसा इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में कि जो आपको वो सब खुशी दे. ये भी यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं. ओके, अब हम जल्दी से एंजल आंसर से चेक कर लेते हैं. क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपको? अ ईयर फ्रॉम नाउ. तो हो सकता है जो चीज आप चाह रहे हैं उसका आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से एक साल. रिकंसिडर, रिकंसिडर करने की जरूरत है. जो भी आपने अपने प्लान्स बनाए हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उसके बारे में फिर से दोहरा के सोच लें, रिकंसिडर कर लें कि वो इंसान सही भी है, वो आपके थॉट सही भी है, या जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो सही भी है या नहीं है. रिकंसिडर करने की जरूरत है, दोबारा दोहरा के सोचने की जरूरत है. ओके, तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. अगर पसंद आई है तो प्लीज अभी के अभी लाइक करें, शेयर करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. ये जनरल रीडिंग थी गाइज. अगर आप जानना चाहते हैं 2021 के बारे में, कुछ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में, आपके सोल्यूशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्लॉट को बुक करवा सकते हैं. एंड मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल गाइस. जिन भी लोगों ने पायल नंबर 2 चूज करी थी, सिंग चूज किया था, जिनको गाना गाना पसंद है या फिर किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से उन्होंने सिंग चूज किया था, उनकी क्या होने वाला है उनके लाइफ में, लव लाइफ के अंदर 2021 में, वो हम देखने वाले हैं गाइज. सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट. वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप लोग. एक कार्ड हमारे पास आ गया है. द हैंग्ड मैन का पहला कार्ड आया है. एस ऑफ वॉन्स दूसरा कार्ड है. द जजमेंट का तीसरा कार्ड है. हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स फोर्थ वन, पेज ऑफ वॉन्स fifth, three of swords, the magician. दो कार्ड निकल आए, the fool and six of swords. Bottom of the deck, okay, ace of pentacles. गाइज सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी, काफी जो लोग हैं यहाँ पे हार्ट ब्रोकन हैं, काफी लोगों के साथ जो है उनका दिल टूटा हुआ है. और जो है 2021 के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जिन भी लोगों को इस दौर से जो गुजर रहे हैं, ठीक है, जो जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिनको प्रॉब्लम हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा उन पे चीटिंग हुई है, उनके साथ गलत गलत चीज़ें हुई हैं, या फिर वो बहुत नेगेटिव रहे हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर 2020 में, काफ़ी कुछ मैं देख पा रही हूँ उनके साथ नेगेटिव हुआ है, जिसके बारे में वो अब सोच रहे हैं 2021 में उनको क्लैरिटी मिलेगी कि उनको क्या करना चाहिए. 2021 के अंदर मैं देख पा रही हूँ काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको क्लैरिटी मिलेगी काफ़ी चीज़ों की 2021 के अंदर, ठीक है. और
साथ में थोड़ा सा ये हो सकता है, देखो ये चीज तो डेफिनेटली है कि आपको काफी चीजों की समझ आएगी, जो आप इतने वहमों में थे, भ्रमों में थे, आपको काफी चीजों की समझ में आएगी लव लाइफ में आपकी क्या हो रहा है, ठीक है। काफी लोगों का रिकंसिलिएशन हो सकता है 2021 के अंदर, काफी लोग जो है रीयूनाइट हो सकते हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है विच शोज रिकंसिलिएशन, ठीक है, वापस काफ़ी लोग मिल सकते हैं, काफ़ी रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की डेफिनेटली हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी लोग ना प्यार में रिस्क लेंगे, लव लाइफ के अंदर काफ़ी लोग रिस्क लेंगे और आगे बढ़ेंगे, उनको कोई परवाह नहीं होगी उनकी लाइफ में कोई आ रहा है, क्या हो रहा है, आगे जाके कैसे चीज़ें होंगी, बट वो रिस्क लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ विश भी आपकी पूरी होती दिख रही है, काफ़ी लोग 2021 में मैनिफेस्टेशन करनी शुरू करेंगे, मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे और उनकी विश भी पूरी होती हुई दिख रही है, जो वो चाहेंगे ना वो पा सकते हैं 2021 के अंदर अगर वो मैनिफेस्ट करना शुरू करें। काफ़ी लोग फॉरेन ट्रैवल भी उनका हो सकता है 2021 में, मे बी अपने पार्टनर के साथ, या उनका पार्टनर कहीं अब्रॉड से हो सकता है, कोई दूसरी सिटी या स्टेट से हो सकता है, मोस्टली चांसेस हैं कि अब्रॉड से हो सकता है और वो अब्रॉड जो है ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो वहाँ से आ सकते हैं, जैसे भी कर मतलब एक फैमिली मुझे दिख रही है कि आप लोगों की शादी हो सकती है, शादी जैसी कोई कमिटमेंट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। आपका डेफिनेटली रिवाइवल रिश्ते का तो मुझे दिख रहा है, रिकन्सिलेशन दिख रहा है, वापस आप लोग मिलोगे साथ में, ठीक है, वो आपके पास आ सकते हैं, वो ये सोच के आपके पास आएंगे कि अब मैं इस इंसान के लिए सब कुछ करूंगा क्योंकि मैंने इसका दिल तोड़ा है, मैंने इसका हार्ट ब्रेक किया है। आप जैसे बोलेंगे ना वैसे चीज़ें होंगी। यहाँ पे ये हो सकता है कि 2021 के अंदर कोई लेडी ऐसी हो सकती है जो आपके रिश्ते में थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट वो भी आपके हाथ में है कि आप उस चीज़ को कितना ज़्यादा अपने पे हावी होने देते हैं, वो भी आपके ऊपर है। काफ़ी चीज़ों की आपको जैसे मैंने बताया क्लैरिटी मिलेगी, रिकन्सिलिएशन होगा, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जो आप एक्शन लेने का सोच रहे हैं ना, मे बी आप अभी प्लानिंग चल रही है सिर्फ आपकी कि मैं करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, 2021 के अंदर आप वो एक्चुअली करेंगे, वो एक्शन होगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नया रिश्ता भी बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा शुरू के टाइम में आप हार्ट ब्रोकन रहेंगे, आप उस चीज़ को लेके सोचेंगे, बट आप बाद में हील आउट करेंगे, आपकी हीलिंग होगी और एक नई शुरुआत होगी, किसी भी रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है, या तो वो इंसान आपके पास वापस आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है 2021 के अंदर, पर ये चीज़ तो है कि अगर वो किसी को छोड़ेंगे तो वो किसी नए से भी जुड़ेंगे, या फिर वो हार्ट ब्रेक होकर उनको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी और फिर से उस रिश्ते की नई शुरुआत होगी उसी रिश्ते की जिसमें वो है, ठीक है। तो अब मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे 2021 में ना आप सच में सोचने बैठोगे, आप बैठोगे और सोचोगे कि जो मैंने किया वो मैंने सही किया क्या, इस तरीके से रिश्ते इस तरीके से रिश्ते को जाना चाहिए था क्या, ये सब मुझे करना चाहिए था क्या, इस रिश्ते के अंदर जो उसने किया वो मेरे साथ सही किया, मतलब काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, क्या सही है क्या गलत है, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे, विच इज़ गुड। काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे खत्म होती हुई आपकी दिख रही हैं, काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और एक नई शुरुआत होगी और आप आगे बढ़ते रहोगे बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के, आप आगे बढ़ते रहोगे। देखिए यहाँ पे दो एसेज हैं हमारे पास, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, नई शुरुआत तो आपकी डेफिनेटली हो रही है, ये दोनों कार्ड्स एक न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं, एक नई शुरुआत को दिखाते हैं, नई शुरुआत आपकी डेफिनेटली हो रही है, आपको समझ भी काफ़ी चीज़ों की आने वाली है, रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस है, भगवान आपके साथ होंगे और वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर लेकर जाएंगे इस साल में, लव लाइफ के लिए आपका काफ़ी अच्छे रहने वाला है, जो आप सोचोगे आप वो पाओगे, जैसा आपने पार्टनर सोचा होगा वैसे पाओगे। अगर अभी तक मैनिफेस्टेशन नहीं करते तो उसको जल्द से जल्द शुरू कर दो, विजुअलाइजेशन टेक्निक शुरू कर दो, विजुअलाइज करो जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को चाहते हो, अभी से करना शुरू कर दो ताकि 21 में आपको वैसा पार्टनर मिल जाए, ठीक है। हो सकता है काफी लोग जो है यहाँ पर काफी लोगों की जो फैमिली है, ठीक है, वो मे बी शिफ्ट हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, कहीं जो मैरिड लोग हैं वो दूर जा सकते हैं, दूसरी शिफ्टिंग हो सकती है, मे बी दूसरी स्टेट में या सिटी में या कहीं अब्रॉड चले जाएं, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं अपने बेबी के साथ और अपने अपने जो है स्पाउस के साथ, ठीक है।
तो थोड़ा सा बर्डन रहोगे, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट जब डिसीजन लोगे ना, स्टार्टिंग के एक दो महीने शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, बट बाद में एकदम फ्लो जो शुरू होगा ना, अमेजिंग. नई शुरुआत तो आपकी डेफिनेटली, ओ गॉड, यहाँ पे भी मैंने एस ऑफ कप्स देख लिया, तीन एसेस आ गए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाइज, आपकी शुरुआत नई होने वाली है, आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी, बहुत सुंदर सुंदर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर. थोड़ा बैलेंस बनाकर चलें, थोड़ा सा स्टेबिलिटी स्टेबल होकर चलें, क्योंकि आप लोग के मूड स्विंग्स बहुत हैं, कभी कुछ, मूड स्विंग्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें और अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करने की ज़रूरत है 2021 के अंदर. बट ओवरऑल लव लाइफ जो है आपकी बहुत खूबसूरत रहने वाली है, ग्रोथ होने वाली है आपकी लव लाइफ में, आप एनर्जेटिक रहेंगे, वो पैशन रहेगा आपकी लव लाइफ के अंदर, ठीक है. और जो है आपका पर्सन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप भी ले सकते हैं, एक स्टैंड भी आपके लिए ले सकते हैं, और उस स्टैंड के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने रिश्ते के अंदर. ओके गाइज, तो ये है आपकी 2021 की लव लाइफ. एंड जल्दी से मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से 2021 में लव लाइफ के लिए, क्या गाइडेंस है. अवेकनिंग प्रेजेंस, The universe is with you, wear a cloak of protection and love. देखिए गाइज, यहाँ पे काफी लोग जो है ये सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा या नहीं होगा. आप बस ये सोचें कि भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, यही आपका यहाँ पे गाइडेंस मैसेज आया है कि यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है और आपके ऊपर अपनी प्रोटेक्शन, जो आपको प्रोटेक्शन मिलती है वो भगवान से ही मिलती है, और वो आपको वो प्रोटेक्शन देते हैं, वो प्यार देते हैं, उन्होंने आप पे अपना कवच जो है दिया हुआ है, बस आपको यकीन करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ओके गाइज, सो डाउटफुल ना रहें, डाउटफुल एनर्जी में ना रहें, भगवान आपके साथ हैं. अब हम जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स जो हैं वो क्या बता रही हैं आप लोगों के रिश्ते के लिए 2021 के अंदर. आप लोगों के रिश्ते के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या रोमांस एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है, वो भी चेक कर लेते हैं गाइस. फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. तो गाइज, फ्री करें अपने आप को, जबरदस्ती बंद के ना रहेंगे. अगर कुछ आपको लगता है बंधे हुए हैं किसी फीलिंग से, किसी इमोशन से, आप अभी भी आपका ब्रेकअप हो गया और अभी भी आप पास्ट की एनर्जी में है, या फिर आप एक रिश्ते में घुट घुट के रह रहे हैं, तो वहां से निकल जाएं, अपने आप को फ्री करें और आगे बढ़ें. आप देखें आप किस तरीके से है, या तो आप उसी चीज पे अभी तक अटके हुए हैं कि वो आप ब्रेकअप के बाद भी रिहा नहीं हो पा रहे, या तो इस तरीके से फ्री करने की जरूरत है, या किसी रिश्ते में रह के आप घुट रहे हैं तो उससे भी आपको फ्री होने की जरूरत है. ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, दूसरा कार्ड है फॉरगिविंग एंड लर्निंग. एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स. तो गाइज, यहाँ पे पास्ट को हील करने की जरूरत है, पास्ट को जो है, देखिए फिर से यहाँ पे वो कनेक्शन आया है कि पुरानी बातों को भूल जाएं, अपने आप को हील करें, वहां से निकलें और आगे बढ़ें. आगे बढ़ने की जरूरत है, प्रेजेंट मोमेंट को जिए, फॉरगिव कर दें जो हो गया आपके साथ, उसको माफ कर दें, इसी तरीके से आप हील करेंगे. ओके गाइज, तो ये आपके थे कुछ मैसेजेस. अब यहाँ पर हम लोग एंजल आंसर्स से भी चेक करने वाले हैं कि एंजल्स आपके रिश्ते के लिए, आपकी लव लाइफ 2021 में जो होने वाली है उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं. दो कार्ड आए हैं रोमांस, वाओ, रोमांस का पहला कार्ड आया है, तो रोमांस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें होने वाली हैं, रोमांस आने वाला है. एंजल्स आपको बोल रहे हैं बहुत रोमांटिक पार्टनर में भी आपको मिल जाए, या वो रोमांस का एलिमेंट मिसिंग है तो वो रोमांस आपको मिल जाए.
इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है 2021 के अंदर, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है. ओके गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. अगर पसंद आई है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली शेयर करें. अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होती है, यहाँ पे भी मैं मैंशन कर दूंगी. आप टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारे कोर्सेज ऑनगोइंग चल रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट करिए. आप क्रिस्टल्स के बारे में कुछ नॉलेज चाहते हैं या फिर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, क्वार्ट्ज परचेज करना चाहते हैं या कोई भी और रेमेडी चाहते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो और रीडिंग्स आपके साथ लेके आती रहूँगी. टिल देन बाय, टेक केयर, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव.